दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक करना है, तभी आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलती जाएगी। वेल हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फुल ऑन एंटरटेनमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मधुबाला सीजन 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मधुबाला सीजन 2 रिलीज डेट कन्फर्म्ड एंड लॉन्च डेट, इसके बारे में करने वाले बात। देखते रहे वीडियो को पूरा एंड तक। दोस्तों हर बार की तरह एक पैसा लाइक उसके साथ कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक, इससे क्या होता है नोटिफिकेशन मिल जाती है और आप हमारी वीडियो डायरेक्ट देख सकोगे बिना कोई रुकावट के। वैसे भी आप सभी का बहुत सारा प्यार आया है, बहुत सारा सपोर्ट आया है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिए, हम चाहते हैं 1 मिलियन तक हम जल्दी पहुँच जाए। सो गाइस, मेरा नाम है तंजीर खान और आप देख रहे हैं फुल ऑन एंटरटेनमेंट। अब आप सभी को पता है मधुबाला एक कमाल का शो है, बेहतरीन शो है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं शो को और लोग चाहते हैं कि शो फिर से शुरू हो जाए। रश्मि धामी और विवेक डी सिन्हा की ये जो कमाल की जोड़ी थी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती थी। दोनों की जोड़ी यानी नाम थे, एक था मधु एक था ऋषभ खुंद्रा, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्टिंग करते थे। यहाँ पे विवेक डी सिन्हा और ऋषभ कुंद्रा का रोल बखूबी निभाते थे, फुल एटीट्यूड में और फुल मस्ती में, फुल रोमांस में, और हर चीज़ यहाँ पे नज़र आती थी जो कि देखने में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताई चलूँ, यहाँ पे जो मधुबाला सीजन 2 है वो लौटने वाला है और जल्दी आप सभी को नज़र आने वाले। जी हाँ दोस्तों, खबरें यहाँ पे ऐसी निकल के आ रही है कि जो सीज़न 2 है वो मेकर शुरू कर रहे हैं और जल्दी इसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप सभी को आपका मधुबाला फिर से नज़र आ जाए। एक इश्क एक जुनून की जो कहानी है ये फिर से आप सभी को नज़र आ सकती है, क्योंकि दर्शी डायमी ने कहा था कि वो मधुबाला सीज़न 2 करना चाहती है और उनका ये कहना भी सही है, क्योंकि हर कोई देखना चाहता है मधुबाला और दर्शी धामी और विवेक डी सिन्हा को, दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं फैंस। तो ये इंतज़ार कब ख़त्म होता है, कब तक हमें देखने मिलते ये दोनों, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।